नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो अभी टेंशन का माहौल चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान है, जो टेंशन में है, वो है डायबिटीज़ के रोगी। जिनको डायबिटीज़ है वो लोग थोड़ा ज़्यादा टेंशन में है, और उनके लिए है भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, ऐसा सुना है। तो उनके लिए मैं आज बहुत बढ़िया इलाज बताने चाह रहा हूँ। जो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया भैया, सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारी काम की जानकारी मैं देने वाला हूँ आने वाले टाइम में, और इस वीडियो में तो देने ही वाला हूँ। तो देखिए, डायबिटीज़ के लिए क्या करना है। डायबिटीज़ के लिए मैं आपको तीन चीज़ें बताऊँगा, आपको एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताऊँगा, आपको डाइट बताऊँगा, आपको एक्सरसाइज बताऊँगा। डायबिटीज़ के लिए क्या है, डायबिटीज़ के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट बताऊँगा, बेस्ट डायबिटीज़ के लिए एक्सरसाइज बताऊँगा, और बेस्ट डाइट फॉर डायबिटीज़ बताऊँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से शुरू करता हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए, अगर डायबिटीज़ से परेशान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके कानों में इलाज है। ऑरिकुलर डायबिटीज़ पॉइंट बता रहा हूँ सबसे पहले मैं, उसको क्या करना है। देखिए, आपको यहाँ पे आपके कानों में, यहाँ पर ये जो ये एरिया है, यहाँ पे आपको प्रेशर देना है। ये एरिया कहाँ है मैं दिखा देता हूँ आपको, इस एरिया में, ये जो है ना अंदर, ये पूरे में, ये जो कान का गया, ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रेशर देना है इस तरह से, दोनों कानों में, ये देखिए, इस तरह से आपको प्रेशर देना है, ये 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा भी दे सकते, कम से कम 2 मिनट आपको प्रेशर देना है। ये जो अंदर का स्पेस है अंदर, इस पे आपको प्रेशर देना है पूरे पर 2 मिनट के लिए। इस तरह से प्रेशर देते रहिए, कुछ भी करते करते प्रेशर देना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, वो भी आपके कानों में, टेंशन मत कीजिए। ये देखिए, इस एरिया में, ये देखिए, ये यहाँ पर, यहाँ पर अंदर बाहर, हल्का सा, थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा अंदर, पूरा प्रेशर दीजिए। उसमें प्रेशर कैसे देना, कोई टेंशन नहीं, आपके हाथ है ना, सिर्फ इस तरह से प्रेशर दीजिएगा, इस तरह से प्रेशर दीजिएगा। ये एक कम से कम 1 मिनट देना, उसको 2 मिनट दिया, इस तरह से इसको 1 मिनट दिया, 3 मिनट में आपका देखिए ट्रीटमेंट हो गया है। उसके अलावा एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से। ये देखिए, यहाँ पर पॉइंट है, ये जो आपका उभरा हुआ पार्ट है, ये देखिए, दिखाता हूँ भैया, ये जो पार्ट है, यहाँ भी प्रेशर देना है आपको। इस तरह से मसाज कर सकते हैं आप दोनों कानों की, यहाँ भी कम से कम 1 मिनट करना है आपको, सिर्फ 1 मिनट करना है यहाँ भी। तो ये हुए आपका 4 मिनट में इलाज हो गया। इसके अलावा भी हाथ में भी एक पॉइंट बता देता हूँ भैया, इस एरिया में, ये देखिए जो लाइन खींची है मैंने, इस रेखा के अंदर अंदर आपको खींचना है। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रेशर देना है, इस तरह से प्रेशर दीजिएगा, इस तरह से, ये आपको 5 मिनट देना है। इसमें थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा देंगे तो अच्छा है, 5 मिनट देना है इसको भी, इस तरह से 5 मिनट प्रेशर देना है यहाँ पर, इसी एरिया में, ये इसी में, इतने एरिया में आपको प्रेशर देना है 5 मिनट के लिए पूरा, इस तरह से। इसके अलावा एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको, ये आपकी जो चीज़ देखिए, ये नाभि हुई अगर आपकी, ये देखिए, ये नाभि हुई, तो नाभि से लेफ़्ट साइड में, ये आपको शायद राइट दिख रहा होगा, पर ये लेफ़्ट साइड है, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से कर रहा हूँ, तो आपको लेफ़्ट दिख रहा है, राइट दिख रहा है, लेकिन है लेफ़्ट में, आपके लेफ़्ट साइड में करिए। नाभि से एक अंगूठा नीचे लेफ़्ट में, लगभग इस एरिए में, ये देखिए, इस एरिए में आपको, अगर ये नाभि है तो इतने एरिए में आपको इस तरह से प्रेशर देना है, मसाज करनी है, इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से देखिए, लेफ़्ट साइड में, इस तरह से, ये आपको 2 से 5 मिनट तक करना है मसाज। और ये जो सब पूरा ट्रीटमेंट बताया है, इसको आपको दिन में 4 बार कम से कम करना है, नहीं तो सबसे अच्छा है आजकल आपको टाइम में हर 2 घंटे में ये करते रहिए, बहुत लंबा नहीं है, देखिए इसमें लगेगा, ये देखिए, इसको हर 2-2 घंटे में आप ये ट्रीटमेंट करते रहिएगा, जो मैंने सब पॉइंट बताए, इसमें कुछ आपका बहुत मेहनत नहीं लग रही है। ये देखिए, बैठे बैठे, खड़े खड़े, ये आप कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, टीवी देखते इस टाइम अकेले बैठे हुए कभी भी, ये देखिए, यह हुआ, ये हुआ, ये बहुत ईजिली आप कर सकते हो, ये कहीं इसका बहुत जल्दी इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा भाई, करके देखिए आप, इससे आपकी जो स्ट्रेस हो रही है आजकल के टाइम में, उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से कीजिएगा ये। इस पे भी, दिमाग पे भी काम करेगा, शुगर में तो काम करेगा ही करेगा जनाब, तो ये करिए। इसके अलावा हाँ, डाइट, अभी आते हैं डाइट पे, ये तो हो गया आपका बहुत आसान ट्रीटमेंट, अभी थोड़ी सी डाइट है, डाइट पे भी थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो भैया आपको डायबिटीज़ के अलावा बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा होगा, और डायबिटीज़ भी काबू में हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ भी बंद हो जाएगी। तो डाइट के लिए क्या करना, सुबह उठते सबसे पहले आपको गर्म पानी पीना है,
नींबू डाल के पियेंगे अगर वात रोग नहीं है, सूट करता है नींबू, तो नींबू डाल के पी लीजिएगा। उसमें नमक नहीं डालना है, नो शुगर नो नमक, मतलब चीनी नमक शक्कर कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नींबू गर्म पानी में निचोड़ के आपको पी लेना है सुबह सुबह। वो नहीं पी सकते नींबू तो आपको क्या करना है, सुबह पानी में थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, एक आधी चम्मच हल्दी लीजिएगा, एक चम्मच जीरा लीजिएगा, और क्या लेना है आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच मेथी का दाना अगर मिल जाए तो वो ले लीजिएगा। अगर नित्य तो ये सब चारों चीज़ें में अवेलेबल नहीं है तो जो अवेलेबल है वो चीज़ लेके पानी में 3 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब उसका 2.5 गिलास रह जाएगा तो उस पानी को आपको पीना है। 1 गिलास अभी पी लीजिए, 1 गिलास बाद में पी लीजिएगा जब आपका मन करे थोड़ी देर में, या सुबह ही पी लेंगे तो वो भी अच्छा है, धीरे धीरे करके वो पानी पी लीजिए। ये हुआ। इसके बाद ब्रेकफास्ट में कोशिश कीजिएगा कि आपको फ्रूट्स लीजिएगा, जैसे मौसमी हुई, संतरा हुआ, ये सब चीज़ें लेने, ये पाइन एप्पल, कोई भी फ्रूट लेने की कोशिश कीजिए। अभी आप बोलेंगे भैया इतनी महंगाई में सबको फ्रूट अवेलेबल थोड़ा होगा, या इतनी फैमिली में सब लोग हैं तो सबके लिए फ्रूट कहाँ से लें, अकेले खाते हुए अच्छा भी नहीं लगे। तो ठीक है, फ्रूट नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप मूंग की दाल तो मिल जाएगी, मूंग की दाल लेकर आइएगा, उसको अंकुरित कर लीजिएगा, उसका स्प्राउट बना लीजिएगा। स्प्राउट खाइए सुबह नाश्ते में ना, उसमें आप स्प्राउट अकेला नहीं खाना, उसमें आपको क्या करना है, स्प्राउट कैसे बनाते हैं वो बता दूँ एक शॉर्ट में, वैसे डिटेल में मैंने बहुत से वीडियो में बताया हुआ है, शॉर्ट में बता दूँ कि उसको मूंग की दाल को धो के पानी में भिगो के रख देते हैं सुबह के टाइम, शाम तक जब वो भीग के नरम हो जाती है तो उसको एक कपड़े में बांध के रात को लटका देते हैं, और सुबह तक उसके अंकुर निकल आते हैं, उसको आपको खाना है। उसको कैसे खाना है, उसमें जितने आपके पास फ्रूट बचा हुआ है, एक आध कोई फ्रूट है तो वो डाल लीजिए, ग्रेप्स डाल लीजिएगा, अनार है तो अनार के दाने डाल लीजिएगा, वो नहीं है तो कोई बात नहीं टमाटर को काट के डाल लीजिएगा उसमें, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टमाटर काटिएगा वो डाल लीजिएगा, और धनिया का है, अदरक है, जो आपके पास अवेलेबल है सब्जी कच्चा आप जो उसमें डाल के खा सकते हैं वो सब डाल लीजिएगा, तुलसी के पत्ते डाल लीजिएगा, अजवाइन के पत्ते मिलते हैं तो वो डाल लीजिएगा, जो अवेलेबल है धनिया खूब सारा डाल लीजिए ऊपर हरा धनिया, और उसको नाश्ते में लीजिएगा, और बहुत उसमें खूब सारी सब्जी जरूर डाल लीजिएगा, खीरा ककड़ी फ्रूट वगैरह मिला के इतना सारा कर लीजिए जिससे कि आपका पेट भर जाए। मूंग की दाल स्प्राउट थोड़ा कम लेके ये सब चीज़ें ऐड कर लीजिएगा और इसको नाश्ते में लीजिए। अगर आप ये भी नहीं खा सकते भैया, आप बोलेंगे हमारे दांत नहीं है हमें प्रॉब्लम है दांतों की, तो कोई बात नहीं, इसको बॉयल करके खा लीजिए ना, काहे को टेंशन लेते हैं, इसको थोड़ा सा बॉयल करिए और इसको खा लीजिएगा नाश्ते में। इसमें नमक नहीं डालना है आपको, नमक ऑयल बॉयल कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे ही खा लेना है कच्चा, नहीं तो थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल करना है। नमक नमक मत डालिएगा, आपको प्रॉब्लम है, लो बीपी है तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए, नहीं तो मत डालिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 12-1 बजे तक आपको कोशिश कीजिएगा एक ग्रीन जूस पीने की। ग्रीन जूस में कोई भी आपको हरे पत्ते मिल जाते तो वो ले लीजिए, हरे पत्ते में आप कुछ भी, करेला है तो करेला डाल लीजिए, लौकी है तो लौकी डाल लीजिए, नहीं तो जो भी ग्रीन वेजिटेबल अवेलेबल है उसको जूस में डाल दीजिए, पत्ते ले लीजिए खूब सारे और वो 1 गिलास जूस पी जाइए। गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, गरन मतलब कुछ भी वेजिटेबल नेचुरल चीज़ कुछ भी उसमें डालिएगा, जो आप कच्चा खाते हैं वो डालिए और वो पी जाइएगा 1 गिलास, बड़ा गिलास पीने की कोशिश कीजिए। अदरक वदरक आंवला आंवला डाल लीजिए, और हाँ स्प्राउट में भी आप एक हरा आंवला काट के छोटे छोटे टुकड़ों में डाल सकते हैं, वो भी ज़रूर डाल लीजिएगा जनाब। आंवला बहुत अच्छी चीज़ है आज के टाइम में, हमेशा के लिए अच्छी है, तो वो भी डाल लीजिएगा, आंवला भी उसमें डाल लीजिएगा और जूस में भी थोड़ा सा आंवला डाल लीजिए, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद अभी आपको क्या करना है, अगर 4 बजे के लगभग आपको भूख लगती है तो भैया थोड़ा सा अगर ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है तो खा लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है फिर क्या करना चाहिए, फिर आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा जो स्प्राउट बचा होगा वो खा लीजिए, नहीं तो कुछ फ्रूट खा लीजिएगा 1-2, नहीं कुछ है तो वही वाला पानी उबाल के फिर से पी लीजिए बस। और उसके बाद लंच में, हाँ जो बताया था लंच में आपको क्या करना था, लंच तो बताना भूल ही गया भैया, जूस के बाद में आपको लंच भी करना है। लंच में कोशिश कीजिएगा कि आपको ओट्स खाने हैं, थोड़ा सा ओट्स ले लीजिएगा, ओट्स अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको उसमें मेन क्या है, बहुत सारे रो वेजिटेबल खाना है, सैलेड खाना है बहुत सारा है, और उसमें क्या करना है, सैलेड खूब सारा खाइएगा, कच्ची सब्जी खाइएगा, और रोटी जो आप खाते आ रहे हैं उसको हाफ़ कर देना है। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 खाइएगा, 1 खाते तो आधी खाइएगा, ये मत सोचिए कि सब बोलते हैं मैं कम खाता हूँ, कम नहीं, जो आप खा रहे हैं उसका हाफ़ करना है आपको, हाफ़ कर दीजिएगा, और सब्ज़ी की मात्रा बढ़ा लीजिए, हरी सब्ज़ी, ये नहीं कि आलू वालू आप कुछ खा रहे हैं तो वो कुछ डबल कर दो, हरी सब्ज़ी अगर है तो उसकी मात्रा आप डबल ट्रिपल 4 गुना भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम ऑयल की बनवाने की कोशिश कीजिएगा,
और वो आप खाइए। सब्जी जितनी मर्जी खा जाओ आप, सब्जी डबल खा जाओ, ट्रिपल खा जाओ जितना, और रॉ वेजिटेबल जितना मर्जी खा जाओ, यहाँ कोशिश करिए बॉयल्ड वेजिटेबल खा लीजिए, बहुत अच्छा है। आपको पेट तो भरना भी है बॉयल्ड वेजिटेबल, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर कम से कम जाना चाहिए, जो आपको नुकसान करेगा वो कम से कम जाना चाहिए। इसके बाद 4 बजे का भी बता दिया, अभी डिनर में भी आपको यही करना है। डिनर में क्या करना है भैया, डिनर में आप इतना कीजिएगा आपको कि सिर्फ मूंग की दाल का पानी पीजिए और बॉयल्ड वेजिटेबल खाइए। मूंग की दाल का पानी और बॉयल्ड वेजिटेबल, बॉयल्ड वेजिटेबल बेस्ट है, कुछ और भी भूख। फिर उसके अलावा 7 बजे तक कर लेना है आपको, जो बॉयल्ड वेजिटेबल का डिनर है वो आपको 7 बजे तक कर लीजिएगा। बॉयल्ड वेजिटेबल ले लीजिए, बॉयल्ड वेजिटेबल नहीं है तो वेज सूप बना लीजिएगा, वेजिटेबल का सूप बना लीजिए, वेजिटेबल में नहीं टोमेटो सूप बना लीजिए, घर में बना हुआ पैकेट का नहीं लाना है, जो है टमाटर को उबाल के थोड़ा सा बना लीजिएगा, उसमें काली मिर्च जो भी हरे मसाले जो अपने मसाले हैं, धनिया, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, ये सब डाल सकते हैं आप इसमें, अदरक, लहसुन, ये अगर आप खाते हैं तो ये सब डालिएगा, ये सब फ़ायदेमंद है, सब दवाइयाँ है, बहुत काम की चीज़ है, मेथी डाल लीजिए, सब बहुत काम की चीज़ है। वेज सूप बना के पी लीजिए जनाब, उसमें क्यों टेंशन लेते हैं आप। इसके अलावा फिर भी आपको भूख लगती है तो मूंग की दाल का पानी बनाइए, पतली मूंग की दाल बनाइए, जो जैसे बुखार में पुराने ज़माने में याद होगा फीवर में लोग खिलाते थे, हमारे बुजुर्ग लोग दाल खिलाते थे, बॉयल करके दाल का पानी पिलाते थे, वो पीजिए ना आप। दोपहर में भूख लगती है तो बॉयल उसका करके पानी पीजिए, मूंग की दाल का पानी पीजिए, शाम को मूंग की दाल का पानी पीजिए, फिर भी भूख लग रही है, लंच में भूख लग रही है तो लंच में आप दाल कर ले सकते हैं, मूंग की दाल की ही लेनी है, मूंग की साबुत दाल, छिलके वाली और धुली हुई दाल, तीनों दाल आप मूंग की ले सकते हैं अपने खाने में, सब्जी के जो लंच में लेने उसमें भी ले सकते हैं। इसके अलावा अभी ये तो हो गई डाइट, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको साथ में करनी है आधा घंटा एक्सरसाइज सुबह, आधा घंटा शाम को, उसमें 10 मिनट तो बहुत हो गया, आप नहीं कर पाएंगे, जितना भी आप कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कपाल भाति ज़रूर करना है। कपाल भाति करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप, टाइम नहीं है, ताकत नहीं, एनर्जी नहीं, मन नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं जाना, मैं बहुत आसान एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना आपको, सिर्फ आपको इस तरह से चलना है, इस तरह से आपको आधा घंटा चलना है। इसमें आप कुछ भी करते चलते चलते देखिए हाथों को मूव करवा सकती करवाइएगा, इस तरह से आपको ये करना है, इस तरह से करना है, ये करना है, ऐसे इस तरह से ताली बजा लीजिएगा, ये आधा घंटा करते करते टाइम पास हो जाएगा, साइड वॉक कर लीजिएगा, ये आगे पीछे, ये यानी तो ऐसे ही चल लीजिए, आप नहीं कर सकते इतना, चलते रहिए, चलने में क्या जा रहा है आपका, चलिए इस तरह से वॉक करते रहिए इस तरह से, ये देखिए कुछ नहीं, सिर्फ आधा घंटा आपको चलना है एक ही जगह में, जगह नहीं है तो ये देखिए ना बहुत जगह है, जितना आपको चलना है चलिए, ये करने का मन करते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मन करता तो चलो ना, सिर्फ इतना तो कर सकते हो ना आप, ये करिए तो भैया सुबह शाम करना है ये, आपकी स्ट्रेस, डायबिटीज़ सब ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से पूछ के आपकी दवाई कम करनी पड़ेगी, बाई चांस अगर शुगर कम हो जाती है 1-2 दिन में देखिएगा तो आपको मीठा नहीं खाने लगना भैया, कम हो गई तो आपको क्या करना है, अगर इमरजेंसी में खाना पड़ा तो फ्रूट ले लीजिए, चीकू हुआ, मैंगो हुआ, बनाना हुआ, वो खा लीजिए, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो खा लीजिए, उससे आपकी शुगर थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। और डॉक्टर से पूछ के आपकी दवाई कम कीजिएगा, एलोपैथी जो दवाई है उसको तो आप जानते हैं कितना नुकसान होता है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो आपके डॉक्टर्स को फ़ोन कीजिएगा, पूछिएगा मेरी 2 दिन से डायबिटीज़ नॉर्मल आ रही है, मैं कितनी कम करूं, तो जैसा वो बोलते हैं वो कम कर लीजिएगा, और ये सब करते रहिए, चलते रहिए, आपकी सब बीमारियाँ आपसे दूर जाती जाएगी, जितना आप ये चलते रहेंगे उतनी बीमारी आपसे दूर जाएगी। थैंक यू वेरी मच, इसको जल्दी से जल्दी बाकी लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ऐसा करते करते शेयर कीजिएगा, ये आपको चलते रहना, चलते इसको शेयर कर दीजिए, जल्दी से इसको शेयर का बटन दबाइए, सबको शेयर कीजिए, सबको बोलिए, ज़रूर देखिए, सबके काम का भैया आपका फ़ायदा हो रहा है, सबका फ़ायदा होना चाहिए ना। बाय बाय, टेक केयर।